नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू सोलर प्लांट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की जो रेन्यूबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करते हुए इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनका एक न्यू सोलर प्लांट सेटअप करेंगे। और टाटा पावर सोलर, जो कि टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी है, इनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है। दोस्तों जो सोलर पावर प्लांट होगा ये राजस्थान स्टेट में सेटअप किया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट की बताई गई है। और हमारी इंडियन रेन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम है उसी के अंतर्गत इसको सेटअप किया जाना है। कहा ऐसा गया है कि सोलर पावर प्लांट के ऊपर 1731 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो एनुअली इसके थ्रू 750 मिलियन यूनिट एनर्जी जनरेट होगी। साथ साथ एनुअली 6,36,960 यूनिट्स ऑफ CO2 भी रिड्यूस हो पाएगा। और उस सोलर प्लांट के अंतर्गत मेन थिंग ये होगी कि सोलर प्लांट के अंतर्गत जितने भी सेल्स एंड मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किया जाएगा वो सभी के सभी मेड इन इंडिया होंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी के एक न्यू रोवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों वाराणसी में जो रोवे का काम है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में वर्क करती है, इनके द्वारा वाराणसी रोवे के लिए बिड्स इन्वाइट कर ली गई हैं। दोस्तों जो वाराणसी रोवे प्रोजेक्ट है इसको भी कुछ महीने पहले अप्रूव किया गया है और DPR के अकॉर्डिंग जो रोवे प्रोजेक्ट होगा इसकी लेंथ अराउंड 3.8 किलोमीटर की होगी, जो वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक के बीच में बनकर तैयार होगा। ओवरऑल इस रोवे के ऊपर 461 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कहा ऐसा गया है कि 218 केबल कार्स यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी, जिसके चलते जो 3.8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसको डिवोटिस सिर्फ 17 मिनट्स में ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखते हैं कब तक इस पर काम स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में 5G लॉन्च से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में 5G लॉन्च को फास्ट ट्रैक पर डालते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा 5G टेस्ट बेड को डेवलप कर लिया गया है और हमारे प्राइम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो सभी मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे देश में गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है और अब हमारे देश में 5G से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप्स, सॉल्यूशंस या फिर जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये जो टेस्ट बेड है ये लॉन्च कर दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली 5G को डेडिकेटेड है। इसके डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का था। इसके साथ साथ हमारे देश के 7 और इंस्टीट्यूट्स, जिसमें IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बेंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन्होंने भी योगदान दिया है। ओवरऑल इस 5G टेस्ट बेड को डेवलप करने के लिए 220 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं, जिसके चलते कहा ऐसा गया कि अब हमारे देश में जो 5G से रिलेटेड टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स के बीच में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक और एक्सप्रेसवे अप्रूव कर दिया गया है, जो अब इन दोनों स्टेट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। दोस्तों जो एक्सप्रेसवे होगा इसकी लेंथ अराउंड 318 किलोमीटर की होगी, जो कि चेन्नई सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट होगा और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया जाना है। और प्री प्लान्स के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेसवे होगा ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच में बनेगा, जो हमारे देश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र इन चारों स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो कुरनूल से सोलापुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। कहा ऐसा गया है कि 2025 तक जो एक्सप्रेसवे होगा इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे एज ऑफ नाउ इसकी DPR बनाने के लिए हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने बिड्स भी इन्वाइट कर दी हैं। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की एक अंडर वाटर टनल से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो पहली अंडर वाटर टनल है उसका काम अब फास्ट एक बेसिस पर डाल दिया गया है। अब जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों जो टनल है ये हमारे देश में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि एक तो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट जिले में बनकर तैयार होगी, जिसके लिए हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। साथ साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी बेहतर होती देखने को मिलेगी, जो कि अभी इतनी बेहतर नहीं है। और हमारे देश की अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो इस टनल के थ्रू बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। और प्लान्स के अकॉर्डिंग कहा ऐसा गया है कि 3 पैरेलल टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसमें से एक रोड टनल होगी, दूसरी रेल टनल होगी एंड जो तीसरी टनल होगी वो एक इमरजेंसी यूज़ के लिए होगी। ओवरऑल हर एक टनल की जो लेंथ होगी वो 9.8 किलोमीटर की होगी, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारी रेलवे मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन तीनों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंडर 7,000 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जो अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन स्टेट्स में कई सारे ब्रिज को भी कनेक्ट करेगी, साथ साथ 2 रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट करेगी।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के वीट एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकन ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि ये इंडियन वीट को इंपोर्ट करेंगे और इसके लिए इन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों भी मैंने एक दो दिन पहले ही आपको बताया था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश के जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन कर दिया गया था, जिसके कई सारे रीजन्स थे और इसमें से एक रीज़न तो ये था कि हमारे देश में जो वीट के प्राइसेस थे वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते चले जा रहे थे और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपोर्ट को बैन किया गया था। साथ साथ एक और बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारे देश में जो वीट है उसको वाइजली एक्सपोर्ट किया जाए ताकि हमारे देश में जितनी वीट की ज़रूरत है वो कम ना पड़ जाए। दोस्तों 2004-05 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पर पहले हमने बहुत ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट किया था लेकिन बाद में हमारे देश में शॉर्टेज हो गई थी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वीट एक्सपोर्ट्स पर बैन तो लगाया गया है लेकिन कहा ऐसा भी गया है कि जिन कंट्रीज़ को वीट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी या फिर वो कंट्री वीट की शॉर्टेज फेस कर रही होगी तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे और हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनको वीट एक्सपोर्ट करेगी। और इसी तरह की अब सेम थिंग हमें देखने को मिली है क्योंकि जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिया है जिसके थ्रू वो 5 लाख टन्स ऑफ इंडियन वीट को प्रोक्योर करेंगे। और दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इजिप्ट की हेल्प भी है क्योंकि इजिप्ट करंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीट इंपोर्टिंग कंट्री है और वार के चलते करंटली इस कंट्री में वीट की काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश में डेवलप किए जाने वाले एक न्यू डैम से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनकी वाटर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया है कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक मेगा डैम को सेटअप करेंगे और ये हमारे देश का सेकेंड लार्जेस्ट डैम होगा। दोस्तों जो डैम होगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनकर तैयार होगा। एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं कि चाइना के द्वारा एक प्लान लॉन्च किया गया है जिसके अंतर्गत वो ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको चाइना से किसी और नाम में जाना जाता है उसका पानी वो तिब्बत रीजन में डाइवर्ट कर देंगे। और क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से इंडिया में आती है और फिर वहाँ से बांग्लादेश में जाती है तो इसके चलते हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर फ्यूचर में वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वैसे कोई इतनी खास प्रॉब्लम होगी तो नहीं लेकिन फिर भी सेफ साइड पर जाते हुए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया है कि एक बड़ा डैम अरुणाचल प्रदेश स्टेट के यिंकियांग टाउन में सेटअप किया जाएगा जहाँ पर जो रिजर्वेयर की कैपेसिटी होगी वो 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की होगी। ओवरऑल इस डैम के डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा ऐसा गया है कि अगर आने वाले समय में चाइना के इन प्लांट्स के चलते ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इस डैम में इतना पानी स्टोर किया जाएगा कि आने वाले समय में अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई वाटर की प्रॉब्लम आती है तो उसको ईजिली मेट किया जा सके। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट में सेटअप किए गए एक न्यू ब्रिज से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बिहार स्टेट का जो कोइलवर ब्रिज है अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। साथ साथ इसके जो 3 और लेन्स है वो उसको भी ओपन कर दिया गया है। दोस्तों बिहार का जो कोइलवर ब्रिज है ये सोन रिवर के ऊपर बना है जो कि बिहार की कैपिटल सिटी पटना को आरा से कनेक्ट करता है। ओवरऑल इस ब्रिज की 6 लेन्स हैं जिसमें से 3 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउनस्ट्रीम है और वहीं इसकी जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर की बताई गई है। इसकी जो 3 अपस्ट्रीम लेन्स थी उनको तो 2020 में ही ओपन कर दिया गया था क्योंकि उसी समय इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था और अब इसकी जो डाउनस्ट्रीम लेन्स हैं उनको भी कंप्लीट कर दिया गया है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है जिसके चलते होगा ये कि पटना से आरा के बीच में दोनों साइड आने जाने वाले लोगों को काफ़ी बेहतर सुविधाएँ मिल पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।